पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गैस का ट्रक बाइक को बचाने के चक्कर में पलट गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। आसपास के लोगों का कहना था कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गया है। मामला जनपद मुरादाबाद के थाना मूढ़ा पांडे के ब्लॉक के सामने का है, जहां पर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक इंडियन गैस का कैप्सूल पलट गया। अचानक कैप्सूल पलटने से रोड पर हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि गैस कैप्सूल के अंदर गैस नहीं थी, क्योंकि कैप्सूल गैस से भरा होता तो आसपास की आबादी को तबाह और बर्बाद कर सकता था। तो वहीं दूसरी ओर ड्राइवर हरेंद्र का कहना है कि सड़क के दोनों ओर साइडों में यहां लोगों ने अपने कच्चे खोखे बनाकर दुकानें बना रखी हैं, जिस वजह से गाड़ी ड्राइवर को मोड़ पर सामने का कुछ दिखाई नहीं देता। इसी वजह से इंडियन गैस का कैप्सूल मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में नाले में जा गिरा और इतनी ऊपर से कैप्सूल पलटने के बाद किसी को चोट नहीं आई, ये गनीमत थी। धर्मपाल सिंह जी, बताइए, जो आपका ये इंडियन ऑयल का कैप्सूल आज ये नाले में आके गिरा है, ये कैसे गिरा है हाईवे पे? सर, हम वहाँ काशी पर खाली थे, कल की हमारी गाड़ी खाली, हम आज घर से आए। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे कांडला। ये कैसे हुआ है सब? सर, ऐसे हुआ कि आज हल्का टर्निंग भी है जी, टर्निंग भी है, एक साइकिल वाले बचाने के चक्कर में हम दाने खींचे, ब्रेक लिए, लेकिन गाड़ी स्टेज में नहीं सीधी हुई, सीधी आ। क्या किसी को चोट लगी है? ड्राइवर कंडक्टर चार आदमी गाड़ी में बैठे थे, चारों से। अच्छा, खाली इस टाइम ये भरा है? खाली खाली है। किस रोड की घटना है जी? ये किस जगह का घटना है? ये दलपतपुर है क्या? सर, यहाँ से पूछने वाले से बताइए, दलपतपुर क्या बता नहीं पा। नाम आपका? मेरा नाम मुजाहिद है जी। ये जो सड़क हादसा हुआ है, इंडियन गैस का जो कैप्सूल पलटा है, क्या मामला है इसके नाम पर? ये ऐसा है, यहाँ पर मोड़ जो बहुत खतरनाक है, 90 डिग्री का जो मोड़ है ये, और इस मोड़ पर जो आगे का दिखाई नहीं देता, सामने से गाड़ी आती है, कुछ जो है नाम एक पोके पोके बन गए, उसकी वजह से इधर से आते हैं तो दिखाई नहीं देता। फिर ये जंप नहीं है, जंप होने चाहिए, स्पीड से लेकर आते हैं। क्या ये अतिक्रमण की वजह से ये हादसा हुआ है? जी, जो ठेले खोके लग रहे हैं जी, दिखाई नहीं देते ना सामने से क्या आ रहा है। प्रशासन कभी इनको हटवाता नहीं क्या? बात प्रशासन जो हटवाना चाहिए प्रशासन को, इससे बड़ा हादसा हो सकता था जी। हादसा हो सकता है, अभी अगर कोई नीचे अगर दब जाता बढ़ते ही गैस भरा हुआ होता तो ये गैस फटता। आदमी भाई मकानात है पीछे, क्या यहाँ पर बस्ती है? यहाँ पर बराबर में बस्ती है, पीछे बस्ती है। ये एक्सीडेंट की वजह है? 50 मीटर की भी दूरी नहीं है, ये सामने बस्ती है, 50 मीटर भी नहीं है। क्या ये अतिक्रमण की वजह से ये हुआ है? दिखाई नहीं देता।